आपको बताएं कि जीसी यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 15 मार्च से फिजिकल क्लासेस को ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूनिवर्सिटी में हर किस्म के फिजिकल इम्तिहानात को दोबारा तालीमी इदारे खुलने तक मौखर कर दिया गया। हॉस्टल्स में सिर्फ इंटरनेशनल और दीगर सूबों के तलबा को रहने की इजाजत होगी। इसी पर आपको अपडेट कर रहे हैं जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। इंतजामिया ने 15 मार्च से फिजिकल क्लासेस को ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से, जी आगाह कीजिएगा। जी, क्योंकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गुजरात की तरफ से तमाम यूनिवर्सिटीज को भी 15 मार्च से बंद करने का फैसला किया गया था, और इस हवाले से जिस यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल की तरफ से मजीद नोटिफिकेशन जारी करते हुए तमाम जो डिपार्टमेंट के हेड हैं उनको कह दिया गया है कि वो 15 मार्च से अपनी तमाम फिजिकल क्लासेस को ऑनलाइन में कन्वर्ट करें, और इस हवाले से तमाम जो हॉस्टल हैं उनको फौरी तौर पर खाली करवाने का भी लेटर जो है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन इसमें ऐसे तमाम तालबात जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या दीगर सूबों से हैं जिसमें बलोचिस्तान केपी के हैं, उनको रहने की मशहूर इजाजत होगी अपने एचओडी से मंजूरी लेने के बाद। इसके साथ साथ जितने भी फिजिकल एग्जाम यूनिवर्सिटी में जारी थे उनको भी मौखर कर दिया गया है। जब तक दोबारा यूनिवर्सिटीज नहीं ओपन होती उस वक्त तक फिजिकल एग्जाम जिस यूनिवर्सिटी में बाद में नहीं होंगे, जबकि बच्चों को चूंकि ऑप्शन दी गई थी या वो ऑनलाइन एग्जाम दें या फिजिकल एग्जाम दें, ऑनलाइन इम्तहान का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन जो फिजिकल एग्जाम है उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके साथ साथ कम्युनिटी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज हैं डिपार्टमेंट और उन तमाम लाइब्रेरीज को भी 15 मार्च से 28 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया गया है। और इस हवाले से तमाम जो तलबाओं को कहा गया है कि वो अवॉइड करें यूनिवर्सिटी विजिट करने में, और तमाम अपने जो डिपार्टमेंट के असाजा हैं या स्टडीज हैं उनसे सिर्फ ऑनलाइन ही रास्ते में रहें। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।